हाय एवरीवन, जैसे कि हमारे स्टूडेंट काउंसलिंग सेशंस होते हैं पोस्ट एग्जाम, वैसे ही मैं अपने स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडरशिप के स्टूडेंट्स के साथ आफ्टर द एग्जाम बैठता हूँ एंड आफ्टर द रिजल्ट्स हमारे जो जो भी स्टूडेंट्स पास हुए हुए होते हैं एंड जो भी रिजल्ट्स होते हैं हम वो डिस्कस कर रहे होते हैं, तो उसमें आई एनालाइज समथिंग विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद ईच एंड एवरीवन। कुछ स्टूडेंट्स हमारे SBL के बैच में इस तरह के मार्क्स लेके आए कि दे गॉट 60, 65, 70s एंड कुछ स्टूडेंट्स 50s एंड ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स जो है वो फ्लंक हो जाते हैं। तो आई बेसिकली एनालाइज कि ऐसा क्या कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स कि जिनके स्कोर 70s एंड 60s में आ रहे हैं, ऐसा क्या कर रहे हैं कि जिनके स्कोर 50s में आ रहे हैं एंड व्हाट द अदर्स आर डूइंग कि जो इस बॉटम मार्क को क्रॉस नहीं कर पा रहे। सो आई केम टू एन कंक्लूजन कि वो बच्चे जिन्होंने 60 या 70 स्कोर किया, द मेन रीजन वॉज दैट दे वर्क्ड ऑन द इंडिविजुअल फीडबैक गिवन बाय देयर ट्यूटर। अगर एक बच्चा जिसने अपने 3 या 4 पेपर्स चेक कराए हैं, उसके बाद जो भी उसको फीडबैक मिला उसने उस पर काम किया, ही केम टू नो कि उसने अच्छे मार्क्स हासिल किए, ही स्कोर 60, 65, 70। लेकिन एक बच्चा जिसने सिर्फ 1 या 2 पेपर्स अटेम्प्ट किए एंड उसके बाद शायद उसने कुछ उस फीडबैक पे काम किया और कुछ नहीं किया, देन ही अराइव्ड ऑन 50s एंड 55s और मिड 50s में। लेकिन जिसने बिल्कुल भी इंडिविजुअल फीडबैक नहीं लिया, तो फिर उसका रिजल्ट हम सबके सामने। द मेन कंक्लूजन ऑफ दिस शॉर्ट वीडियो इज के वेयर एवर यू आर स्टडीइंग, जस्ट गेट योर एग्जाम्स चेक एंड वर्क ऑन द फीडबैक। By the way, you all guys knew that my on-campus classes in Urdu and my SBL English classes online have been started and you guys can enroll yourself. Thank you.